देश और दुनिया की हर खबर से जुड़े रहने के लिए वार्तालाप टीवी को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब हर खबर आपके फोन पर। गुरु पर्व के दिन देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 कृषि कानून बिलों को वापस लेने का ऐलान किया, जिसके बाद से किसानों के बीच खुशी का माहौल है। किसान संगठनों ने नरेंद्र मोदी के इस फैसले का स्वागत किया है, लेकिन करीब एक साल से बिल के विरोध में चल रहे दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन को खत्म करने पर अभी तक किसानों की तरफ से कोई स्पष्ट फैसला नहीं आया है। आज दोपहर 2 बजे पंजाब के 32 किसान संगठनों के बीच एक अहम बैठक होने जा रही है, जिस पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। चूंकि प्रधानमंत्री ने बिल को वापस लेने के साथ साथ बॉर्डरों पर बैठे किसानों से आंदोलन खत्म करने और वापस अपने घरों खेतों में लौट जाने का आग्रह किया, जिसके बाद किसानों ने इसका स्वागत किया है, लेकिन किसान संयुक्त मोर्चा आंदोलन खत्म करने के पक्ष में नहीं है, बल्कि आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। किसान आंदोलन में एक बड़ा चेहरा रहे राकेश टिकैत ने कहा कि किसान आंदोलन तत्काल वापस नहीं लिया जाएगा। हमें उस दिन का इंतजार है जब संसद में यह तीनों काले कानूनों को रद्द किया जाएगा और इसके साथ ही MSP पर कानून बनाया जाएगा और हमारे किसान भाइयों पर किसान आंदोलन के दौरान जो 10,000 मुकदमे दर्ज किए गए हैं उन पर कोई उचित फैसला लिया जाएगा। फिलहाल आज पंजाब के 32 किसान संगठनों की बैठक पर सभी की नज़रें टिकी हुई हैं। क्या कुछ इस बैठक में निकल कर सामने आएगा, यह देखना अभी बाकी है।